यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए अजय राय ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय जो हैं अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बताएं कि अजय राय को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली है। अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ब्रजलाल खाबरी को अध्यक्ष पद से हटाया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में हालांकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही किस तरीके से अपने अपने संगठन को मजबूत किया जाए इसको लेकर। अब देखिए कांग्रेस ने भी दरअसल यह है बड़ा एक्शन लेते हुए जो अपना अध्यक्ष है उन्हें बदला है। ऐसे में आके जो नए अध्यक्ष अजय राय बनाए गए हैं, कौन है अजय राय ये आपको बता दें, 5 बार विधायक रह चुके हैं अजय राय। कोलासला विधानसभा सीट से आपको बताएं कि 3 बार विधायक रहे हैं, 1996 से 2007 तक लगातार 3 बार विधायक रहे, 2009 उपचुनाव में निर्दलीय लड़े, 4थी बार विधायक बने, 2009 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, इसके बाद 2009 में सपा के टिकट वाराणसी से चुनाव हार गए, इसके बाद फिर 2012 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, 2012 में पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, इसके बाद 2014 में कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी में लोकसभा चुनाव हार गए थे, 2017 में पिंडरा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, 17 में चुनाव हार गए थे अजय राय। तो ये दरअसल अजय राय का पूरा प्रोफाइल, क्योंकि कांग्रेस नेता अजय राय जो है दिग्गज नेता माने जाते हैं, कई बार जो है पार्टी को छोड़ा, पार्टी में शामिल हुए, 2009 में सपा के टिकट पर वाराणसी से चुनाव भी लड़े थे, 2012 में कांग्रेस पार्टी की इसके बाद जो है सदस्यता इन्होंने ली थी और 2012 में पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, 2014 में कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से जो है चुनाव लड़ा, 2017 में पिंडरा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। आपको बताएं कि हालांकि चुनाव में हार का सामना अजय राय को करना पड़ा था, लेकिन दिग्गज नेता क्योंकि 5 बार विधायक रह चुके अजय राय, कोलासला विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे, 1996 से 2007 तक लगातार 3 बार विधायक रहे और 2009 उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 4थी बार विधायक बने, 2009 में हालांकि आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी जो है उसमें ये शामिल हो गए थे और सपा के टिकट से वाराणसी से चुनाव भी लड़ा था उन्होंने लेकिन हार गए थे, इसके बाद 2012 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 2012 में पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की, 2014 में कांग्रेस की सीट से जो है एक बार फिर से चुनाव लड़ा, 17 में भी पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसके बाद जो है दरअसल चुनाव में हार का सामना अजय राय को करना पड़ा था। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक और उत्तर प्रदेश में खासा फोकस जो है कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से 80 सीटों पर हालांकि इस तरीके से सरगर्मियां भी सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया और जो अलग अलग दल हैं गठबंधन जो दल हैं उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो है तालमेल बिठाने की कोशिश करने में नाकाम दिखाई पड़ रही है और इसी कड़ी में अब ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा जो है एक्शन साफ तौर पर लिया गया है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं, अजय राय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बनाए गए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में ये बेहद ज्यादा अहम जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर जरूर टिकी हुई हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव जीतने का दम तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं, ऐसे में अजय राय कांग्रेस पार्टी के लिए जो है कितना फायदा अब जो है इस नए समीकरण के बाद दिला पाते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं जिसमें दरअसल ब्रजलाल खाबरी की जगह पर अब अजय राय को अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ये बहुत बड़ी खबर क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी अलग कदमताल करते हुए दिखाई पड़ रही है, ऐसे में ये जो बड़ा बदलाव किया गया है बेहद ज्यादा मायने रखता है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की अग्नि परीक्षा है इसको लेकर दरअसल ये जो है बड़ा बदलाव किया गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अजय राय अब कितना फायदा पार्टी को अपनी जिम्मेदारी से अपने कामों से दिला पाते हैं।
तो आपको बताएं कि चार बार दरअसल अजय राय जो है विधायक रह चुके हैं, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं, पांच बार विधायक रह चुके हैं अजय राय और कई बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं पार्टी में संभाली है। कुलासला विधानसभा से तीन बार विधायक रहे, 1996 से 2007 तक लगातार तीन बार विधायक रहे, हैट्रिक उन्होंने मारी थी। 2009 चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, चौथी बार विधायक बने और 2009 में समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 2009 में सपा के टिकट से वाराणसी से चुनाव लड़ा और हार गए थे। 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद 2012 में पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल करी। 2014 में हालांकि एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो इनकी भूमिका है दरअसल वो पार्टी को मजबूती देने वाली है, क्योंकि पांच बार विधायक अजय राय रह चुके हैं और ऐसे में कई बड़ी जिम्मेदारियां जो पार्टी लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी लाइव जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से अजय राय को अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, बड़ी जिम्मेदारी, कई बड़ी चुनौतियां, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अजय राय वो पुराने गद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। स्थितियां और परिस्थितियां कुछ भी रही हो राजनीतिक दौर में, लेकिन अजय राय ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, लंबे समय से कांग्रेस साथ जुड़े रहे। और अजय राय ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था। हालांकि एक बात की जाए कांग्रेस की, तो उस चुनाव में कांग्रेस चौथे पायदान पर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वाराणसी में अजय राय की लता जो जनता में लोकप्रियता है वो खासा देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जो बात की जाए कांग्रेस की, तो उन पर भरोसा जताया कांग्रेस ने, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। हालांकि अगर बात की जाए इसके पहले जो ब्रजलाल खाबरी थे, तो उनको जरूर अजय लल्लू को हटाकर उनको बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो खाबरी की जो गतिविधियां थी उसको कहीं ना कहीं देखा पार्टी ने और देखा इस तरह से उत्तर प्रदेश में शिथिलता बढ़ती जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बड़ी जरूरत थी ऐसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को दोबारा से धरातल पर ला पाए, और यही कारण है कि अजय राय को कांग्रेस ने आला कमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया है। हालांकि अगर बात की जाए इस राजनीतिक लिहाज से लता, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की अगर बात की जाए, तो पूर्वांचल में घोषी समाज बड़ी संख्या में है, भूमिहार बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूमिहार वोटों पर अपनी जो पकड़ है उसे मजबूत बनाने का प्रयास लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में लता लोकसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, अब ऐसे में बात की कांग्रेस की, तो सबसे बड़ी बीजेपी के बाद अब दूसरी पार्टी कांग्रेस है, अब ऐसे में सीधी टक्कर अगर केंद्र में देखने को मिलेगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को और मजबूत करने का प्रयास लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और यही कारण है कि जो बदलाव है कांग्रेस में वो देखने को मिला और अजय राय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लता बिल्कुल, तो ऐसे में अनिकेत क्या समझा जाए जो बड़ा दाव अब कांग्रेस पार्टी ने खेला है, क्या लगता है कि इससे अब राजनीतिक समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बदल जाएंगे, क्योंकि चुनौती दुगनी है और मिशन 80 का टारगेट सब लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लता, यकीनन तौर पर लोकसभा चुनावों से पहले जो राजनीतिक सरगर्मी है वो जरूर तेज हो गई है। हर सियासी दल ये प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उन पर अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि वो 80 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रही है, वही समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो भी नए नए प्रशिक्षण अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच जाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। तो कहीं ना कहीं हर वो राजनीतिक दल, फिर वो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती हो, वो भी अपनी पार्टी में तमाम बदलाव करती हुई दिखाई पड़ी है लोकसभा चुनावों से पहले, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी एक बड़ा बदलाव अपने पार्टी में किया उत्तर प्रदेश में, और यही कारण है कि अजय राय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि लता अगर बात की जाए अजय राय की, तो बड़े गद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और
लोकप्रियता की बात की जाए तो पूर्वांचल के तमाम ऐसी जो सीटें हैं जहां पर उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी देखने को मिलती है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने अजय राय पर दाव खेला और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। हालांकि अजय राय के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, कितना बदलाव आता है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगी, तो हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ये सरगर्मी, तमाम ये उठा पटक जरूर देखने को मिलेगी राजनीतिक दलों में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लता अजय राय की, यकीनन तौर पर कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी चुनौती जरूर बीजेपी के सामने खड़ी कर दी। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से आने वाले लोकसभा के चुनावों में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। अब ऐसे में अजय राय के आने के बाद में क्या उस पर विरान लगेगा, क्या वो जो दावा किया जा रहा क्या वो दावा विफल होगा, तो तमाम ये जो सियासी समीकरण है ये लोकसभा के चुनावों से पहले देखने को जरूर मिलेंगे। लता बिल्कुल, बाकी जिस तरीके से जो लोकसभा के समीकरण अब जो बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से अब जो ये बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला है वाराणसी से, हालांकि जो है अजय राव अक्सर चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसे में क्योंकि वाराणसी जो है संसदीय क्षेत्र पीएम नरेंद्र मोदी का, ऐसे में क्या ये माना जाए कि सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, दम भर रही है, कॉन्फिडेंस दिखा रही है पूरा का पूरा? अब बिल्कुल देखिए पूजा, अगर बात की जाए अजय राय की तो यकीनन तौर पर वो पूर्वांचल से आते हैं और जिस समाज से आते हैं वो भूमिहार समाज है, और बात की जाए अगर पूर्वांचल की तो पूर्वांचल की हर सीट पर कहीं ना कहीं भूमिहार वोट जो प्रतिशत है वो बड़ी संख्या में है, तो यकीनन तौर पर कांग्रेस का जो ट्रंप कार्ड जो कांग्रेस ने खेला है अजय राय के रूप में, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती देने का जरूर प्रयास किया गया है। और अब की जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर कयास ये लगा जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और शायद कांग्रेस की तरफ से अजय राय हो या फिर कोई और बड़ा नाम चेहरा सामने आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत है उसमें जरूर कटौती होती दिखेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में भूमिहार जो वोट प्रतिशत है वो पूर्वांचल की सीटों पर है, तो यकीनन तौर पर कांग्रेस ने जो अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो ट्रंप कार्ड जरूर कांग्रेस ने अपनी तरफ से खेला है। हालांकि ये चुनावी नतीजे आएंगे लोकसभा के, वो जरूर बताएंगे कि अजय राय कितना सफल साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए या फिर असफल साबित हुए हैं। लता बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से अभी नया दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो नया दाव अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष का जो बदलाव किया गया, हालांकि इसका क्या कुछ जो है बदलाव, क्या कुछ इसका परिणाम हालांकि धरातल पर दिखता है वाकई देखने वाली बात होगी निखिल, लेकिन जिस तरीके से अब जो समय नजदीक है लोकसभा चुनाव का, ऐसे में ये बड़ा बदलाव, कितनी भूमिका कांग्रेस पार्टी की बदल पाएगा, जानने के लिए हमारे साथ दरअसल सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी नेटवर्क टाइम में। जिस तरीके से जो ये बड़ा बदलाव किया है, प्रदेश अध्यक्ष का जो है नाम जो है बदल दिया गया है, अब अजय राय को चुना गया है, क्या लगता है जो भूमिहार जातिगत समाज के लोग हैं इन पर दाव खेला जाएगा, अब क्या लगता है इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मिशन 80 का जो सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है, क्या सुरेंद्र जी पूरा हो पाएगा? कांग्रेस पार्टी कभी धर्म, कभी वर्ग, कभी जाति के नाम पर अपने संगठन की नियुक्तियां नहीं करती है। कांग्रेस कांग्रेसी को बनाती है, इसलिए अजय राय जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस गांव गांव जाएगी, गांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, डगर डगर जाएगी, और फिर अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी जीतेगी और इंडिया भी जीतेगा। आने वाले भारतीय जनता पार्टी को के लिए हमारा इंडिया का गठबंधन कांग्रेस सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, इंडिया को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ आसन को हराने का। लेकिन सुरेंद्र जी कैसे इंडिया जीत पाएगा, दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो सीटों के बंटवारे को लेकर, वोट शेयरिंग को लेकर तो लग रहा है कि मतभेद खत्म नहीं हो पा रहा है, कैसे इंडिया जीत पाएगा? यहाँ तो लग रहा है कि अलग अलग दल अकेले से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया कैसे जीत पाएगा? वक्त आने पर बता देंगे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, आप लोगों के चाहने से या भारतीय जनता पार्टी के चाहने से हमारा गठबंधन टूटेगा, और आने वाले समय में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि देखिए कैसे हमारा गठबंधन भी होगा और कैसे देंगे। लेकिन सर ये हम नहीं कह रहे, ना ये मीडिया कह रही है, ना ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, दरअसल जो सरगर्मियां बन रही हैं, जो जातिगत समीकरण आपके बन रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, सातों विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात कह दी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इनमें मतभेद दिखाई पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में आप खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, तो कैसे हम ये समझ लें, कैसे ये देशवासी पूरा समझ लें कि इंडिया पर भरोसा करना है, क्योंकि आपके नेता ही आपस में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को आप क्या समझाइए? सर आने वाले समय आपको सब कुछ
दिखाई देंगे, नेट दिखाई देंगे। बिहार से जो गठबंधन शुरू हुआ है, बेंगलोर में उसने शक्ल ली है, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से शेप लेगा और आने वाले सारे लोगों के मंसूबों को ध्वस्त करेगा। तो इस गठबंधन में दरारें देख रहे हैं, जो इस गठबंधन में क्या नाम बेवजह की बातें सोच रहे हैं। और रही बात चुनाव की तैयारी करने की, तो निश्चित तौर पर सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर तैयारी करते हैं और आखिर में जब समझौता होगा तो आप सब लोगों को एक सुखद आश्चर्य भी होगा और भारतीय जनता पार्टी वालों का बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, परेशानी भी होगी, उनका खून भी जलेगा। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आने वाले समय में इंडिया जीतेगा और राहुल गांधी जी जैसी, आप बताइए मुझे 4000 किलोमीटर की यात्रा छोड़िए, 400 किलोमीटर की भी यात्रा किसी नरेंद्र मोदी जी ने की हो, अमित शाह ने की हो, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के खालिद और कांग्रेस पार्टी के साथ। चलिए वाकई सुरेंद्र जी, ऐसे में देखने वाली बात होगी। अब जो उत्तर प्रदेश में नया दांव कांग्रेस पार्टी ने खेला है अजय राय का, कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।